अस्सलाम एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज यहाँ का वेदर मतलब बारिश वाला हुआ पड़ा है। आप लोग बता रहे कि इसकी सिटी में बारिश हुई थी, यहाँ तो अभी मतलब है इम्कान के बारिश हो जाएगी। और बाकी मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना था कि आप लोगों मुझे ये बताओ कि आप लोग मेरी वीडियोस किस टाइम देखना पसंद करते हो, मतलब कि मैं किस टाइम वीडियो अपलोड किया करूँ जिस टाइम आप लोग देखना पसंद। वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो आप लोग एक्टिव नहीं होते कोई, मतलब जैसे आज अब वीडियो अपलोड किए कोई सुबह देख रहा होता, कोई कब देख रहा होता वीडियो। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग किस टाइम मतलब फ्री रहते हो, तो मैं उसी टाइम अपनी वीडियो अपलोड किया करूँगी। और बाकी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या किया। आज मैंने की थी रूम की क्लीनिंग, पिछले व्लॉग पे मेरी इतनी मेहनत लगी है पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। वैसे भी मुझे लगता है आजकल ना यूट्यूब पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े मतलब व्लॉगरों को देखा, उनके भी बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। शायद कोई पीछे से मसला चल रहा है। खैर, तो मौसम आजकल आज मौसम बारिश वाला बना पड़ा। बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर ली जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा कमरा हुआ पड़ा है, हर तरफ मैस मैस। और इसको अब मैं क्लीन कर लूँ, जैसे कि अब सर्दी आ गई तो सर्दियों में सुस्ती कुछ ज़्यादा होती है। अब चलते हैं हम अपनी क्लीनिंग की तरफ। बेडशीट में सबसे लास्ट में चेंज करूँ क्योंकि इधर अभी सोई हुई अनाया, बाकी हम सारा काम अब करते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे बेडरूम में ना हमेशा लाइट का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, लाइट कम है ना, तो उसकी वजह से मैं इस कमरे में वीडियो भी बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ। तो मैं अभी इस वाले मतलब सोफ़े के अच्छी तरीके से करी थी क्लीनिंग, और इसके पीछे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना गंदा है। तो इसको मैं मतलब सोफ़ों को बेड के नीचे से आज सारा गंद निकालूंगी। ये मेरा आज मतलब टास्क था जो मुझे पूरा करना है। और ये जाले वगैरह भी मैं आज हटा रही थी अच्छी तरीके से, रूम की मैं चाह रही थी कि क्लीनिंग कर दूँ। और ये पंखा भी मेरा साफ होने वाला, ये तो कमर ही करेंगे क्योंकि मुझसे तो इधर मैं अच्छी तरीके से दीवारें भी साथ साथ साफ कर रही थी। और ये जो ऊपर ये लगी हुई है ना सिंदरी, तो हम लोग इनको यही बोलते हैं, तो ये सिंदी वगैरह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट था। ये मैं अब किसी दिन कपड़े से अच्छी तरीके से ये साफ़ करूँगी। इधर मैं सोफे के पीछे से निकाल रही हूँ सारा कचरा, ये जुहान के ही काम होते हैं। और ये सारा मतलब इधर उधर चीज़ें फेंक देता है, और फिर वो मतलब जब आज तो इतनी चीज़ें मिली थी बेड के नीचे से भी, अनाया की कैप नहीं मिली थी, इसके बाबा की कैप और जुहान की खुद की कैप। ये ऐसे करता है बेड के ना, जब मतलब पिछले साल की थी वो बेड के पीछे ना उनको फेंक देता था। तो अब आज मैंने झाड़ू लगाया ना अच्छी तरीके से, नीचे से झाड़ू वगैरह लगाया तो वो सारा मतलब मुझे सारी कैप वगैरह मिल गई थी। मैंने सारा आज कचरा निकाल लिया, आज सारा निकाल के तो इतना मतलब ना रूम की डीप क्लीनिंग हो गई ना, तो इतना हल्का फुल्का सा रूम लग रहा था। और ना मैं ये सोची मैं सोफ़ों के ऊपर ना कवर नहीं चढ़ाऊँ, आप लोग मुझे बताना क्योंकि उनकी वजह से ना अजीब सा मतलब लगता है। तो अब मैं सोफ़ों के ऊपर से ये कवर उतार देती हूँ ना, तो उसकी वजह से ना ये मतलब थोड़ा मतलब कमरा भी नीट लगता है और इस तरह से ज़्यादा अच्छी लुक भी आती है। आप लोग बताना, कवर के साथ अच्छे नहीं लग रहे ना सोफ़े, तो इस तरह कवर के बगैर सोफ़े ज़्यादा अच्छे लग रहे। तो इतना ज़्यादा कचरा निकला था, मैं मुझे मतलब सुकून मिल रहा था कि आज मैंने क्लीनिंग कर ली है। बस मेरी डस्टिंग होने वाली थी वो, तब अनाया उठ गई और फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी तैयार करना था, वो मैंने अभी नहीं की, वो इंशाल्लाह मैं कल करूँगी। आज तो मैंने बस यही काम किया था, ये सारा कचरा वगैरह। जुहान को मैं कह रही कि मेरी हेल्प कराओ, तो ये जूते सारे आप रख के आओ बाहर, तो वो जूते वगैरह रख के। तो आप लोग बताना, वीडियो का रिज़ल्ट ठीक आया? रूम में ठीक आता वीडियो का रिज़ल्ट, मुझे ऐसा लगता अजीब सा आता है, तो मैं फिर से एडिट कर लेती हूँ थोड़ा सा और कलर चेंज करने के लिए। आप लोगों को इधर कमर कह रहे थे बाहर के मतलब जाले वगैरह उतार रहे थे, और जब तक ये कवर नहीं होगा ना तब तक तो ऐसे ये सीलिंग में मतलब डस्ट आता ही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा डस्ट हुआ पड़ा था इधर सीलिंग के अंदर भी, तो कमर इसकी अच्छी तरह से तरीके से कर रहे थे क्लीनिंग। और बाकी मैंने अंदर से तो कर ली थी रूम की भी, फिर उन्होंने एक रूम की भी क्लीनिंग की थी, और ये कुछ बाहर की भी उन्होंने फिर कर दी थी। वैसे तो हाथ मेरा भी जा रहा था, मैंने किचन की थी अभी उनसे पहले, किचन की थी फिर उन्होंने बाहर से इधर से कर दी थी, तो अनाया उठ गई थी फिर उन्होंने बाहर से इधर से क्लीनिंग कर दी थी। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं और
टाइप के मेरे व्लॉग आप लोगों को पसंद है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वैसे ही व्लॉग बनाया करूँगी जैसे आप लोगों को पसंद है। आप लोगों को मेरे मतलब चीज़ों को मेकओवर करना ज़्यादा पसंद है या डेली रूटीन ज़्यादा पसंद है या मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना प्लीज़ प्लीज़। मैं आप लोगों के आंसर का वेट करूँगी कॉमेंट का। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।